दो दो मासी मामा, दो दो कैमरे। ये देखो ये क्या बनी हुई है। पीछे खाली खाली लग रहा था ना एरिया, वो चीज कवर अप होगी। हम लोग बचपन में करते थे ना, पैसे जोड़ जोड़ के चीजें लेके आते थे, फिर एक जगह इकट्ठी करके खाते थे, वही सेम ये। बाकी सब बातें तेरी ठीक थी, मधुर बोल दिया ना उस पे मेरा ध्यान एकदम से उधर, मधुर आवाज वो मेरे पास है। हमें जब भी कोई चीज मांगती है ना, हमें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे पीछे हमारा इतना पूरा टाइम चल रहा था ना कि हम लोग, एक कमेंट था कि मैं आप लोग को एक चैलेंज दूंगी जो आपने करके दिखाना है, हमारे लिए था। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हम लोग कर रहे हैं शाम को स्टार्ट, क्योंकि आज दिन में ना आराध्या स्कूल जा रही थी, उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, फीवर से आ गया था उसको। फिर हमने कुछ ब्लॉग बनाया ही नहीं, उसके बाद सारे सो गए, अब स्टार्ट किया। तो मम्मी तो ये देखो मैं क्या लेके आई हूं, अबे मैंने क्या आई थी, मैंने इसमें डाल दिया लिपस्टिक। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी और ये आ गई मेरे पास। कहाँ पर थी, कहाँ पे थी, कहाँ पर लगी हुई थी या किसने दिलवाया ये? पापा, कल टीचर डे था तो ना पापा ने ना मैं कुछ मैम के लिए कुछ दिलाने गया था, पेन और डायरी, और फिर उसके ऊपर से मुझे ले आई और पापा वाले भी ऐसे तो पथक दिया। पथकने वाले क्या थे वो, पटाखे बोलते हैं उनको। हाँ, पटकने वाले। तो ये अपने पापा के साथ गई थी मैम का गिफ्ट लेने टीचर्स डे के लिए, अपना भी ले आई और पटाखे भी ले आई, और फिर मुझे दिखाने यहाँ आई थी अंदर, मम्मा मैं ये चीज ये सब कुछ लेके आई हूँ। तो गाइस मैं कर रही हूं ना जो मैं स्कूल का, और अभी इसकी आवाज देख लो कैसी हुई है अभी, इसको कम से कम नहीं, नहीं, जब मेरे को हाल लगाया था ना तभी मेरे को बुखार था, और देखो मेरी बाजू भी पूरी। अभी इसको कम से कम मेरे ख्याल से 101 के करीब बुखार है, फिर भी ये टिक नहीं रही, कहती पहले मुझे पढ़ाई करनी है उसके बाद डॉक्टर को चेकअप करवाने जाऊंगी। बट स्कूल गया था मेरा बच्चे ने, स्कूल से छुट्टी नहीं मारी है, स्कूल गई थी, टीचर्स डे मना के आई है, पूरा फंक्शन देखा था है ना। मैम को दिया था कार्ड, मैम ने क्या बोला? जब मैं मैम को कार्ड दे रही थी तब मेरी लग दर्द नहीं हो रही थी, जब मैं बैठी जब मैं उठने लगी फिर दर्द हो रही थी। चला पापा तुझे लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेके आओ, उसके बाद रेस्ट कर रहा जी, फिर रेस्ट करके शाम को नीचे चलेंगे। ठीक है, शाम को चलेंगे नीचे, अभी रेस्ट कर ले। ठीक है, पता क्या बोल रही है, अभी सो के हटी ना स्कूल से आते, कहती मम्मा रात को जो तूने मेरी पिन ली थी वो कहाँ है? मैंने कहा बेटा तेरे को रात कब बताई, तेरे को कैसे बताए कि वो रात नहीं होती, वो दोपहर होती है, दोपहर को तू सोती है, इसको टाइम में बड़ा दिक्कत आती है, रात को दिन बोल देती है फिर दिन सुबह उठेगी। मैं अभी तो स्कूल जाके आई थी कल, फिर अभी दोबारा भेज रही हो? कल नहीं, ये जब सो जाती है इसको लगता है अगर दिन में सोए तो कहती पाओगी दो दो मासी मामा, दो दो कैमरे। ये देखो ये क्या बनी हुई है, अपनी आंखें दिख रही है, तीरी है यानी मेरी आंख तीरी है। अब एक कैमरा और एक मासी मामी, दो रुपए दवा भी एक रुपए दवा भी। तो ये और तो ये मेरा टेस्ट है, ये देखो कितने नंबर मिले हैं मेरे को, यहाँ से पता लगता है बेटे 5050 में से 50 ए प्लस ग्रेड मिली है। और ये देखो ये क्या है, स्माइल स्माइली शुगर, ये वही टेस्ट है जो कल लर्न कर रही थी, ये कल प्रैक्टिस कर रही थी। आज मेरे को क्या बोल रही थी, इसको ना स्टार मिला हुआ है, ये देख रहा था, ये क्या है, हड्डी ये क्या है, ये क्या है, स्टार, ये हड्डी नहीं है मैम के साइन है बेटा। मेरी समीर दोस्त ने बताया था ये हड्डी, दोस्त ने बताया था ये मैम के साइन है, मैम ऐसे साइन करती है, हड्डी नहीं होती। तो गाइस हम लोग ना ये लेके आए थे पत्तियां, मानसी लगाने लगी हुई है, ये देखो इसके साथ देखना कोई लुक में, नहीं यार अच्छी लग रही है, जो पीछे खाली खाली, हाँ पोपट है, जो पीछे खाली खाली लग रहा था ना एरिया, वो चीज कवर अप होगी अभी। हाँ, और हमने पता क्या किया, एक लैंप भी हमने नया मंगवाया, वो देखो पिछली बार ना यहाँ पे व्हाइट कलर का लैंप था, तो आज यहाँ पे रेड कलर का है, हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हमारे वॉल्स के साथ, हमें एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। हाँ, क्योंकि ना ये वाला अच्छा दिख रहा था, वो वाला गंदा दिख रहा था, अच्छा तो इसलिए रेड लगा दिया वहाँ पे, वहाँ पे आ जाएगा एक ब्लैक, तो हमने एक और मंगवा रखा है ब्लैक कलर का, तो वहाँ पे ब्लैक लगेगा, यहाँ पे रेड आ गया, गलती से रेड आ गया, पर वो भी अच्छा लग रहा है। मजाक करा यार, दवाई छूट गई थी, ये भागती फिर जाती है तेरा, ये इसने बोला फिर को दवाई की कोई टेंशन नहीं हुई कि मैं बेटी की अभी दवाई लेके आया हूँ, वो गिर गई, तूने पॉडकास्ट वाला चैनल नहीं, पर आधी आधी शीशी पड़ी है, मैंने पिला दी थी, थोड़ी गिरी है, आधी गिरा दी, छूट गई जाना, कभी कभी गलती पड़ी पड़ी है, चुगलियाँ नहीं लगा, मैंने पिला भी दी है, क्यों उसने ठीक नहीं होना क्या पता,
आइडिया आपने ये इसका ऊपर किया हुआ था पीछे से लिखी दीदी आके उसके बीच में बजी। अब मेरे को तो दिख गया था, मैं क्या अगर मैं बोल ली भी ज्यादा हुई हुई करेगी, इससे अच्छा नहीं करा दो। ये ना सफाई कर रहे हैं गाड़ी, देखो गाड़ी साफ हो गया, दिख नहीं रही। कल दूर से कल ऊपर से क्या बोल रहे थे, कहते मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आज क्या हुआ, ये मैंने गाड़ी धोई है, देखो गाइस कितनी चिट्टी चमका चमक निकाल दी, इन्होंने कुछ नहीं किया। बस करो ये क्या, पीछे से साफ किया मैंने। ये देखो मैंने धोई है, खुद महान बन जाते हैं। बैठने कौन सा कोई और आता बैठते, हमने सब्जी लेने आए हैं भाई, हम सब्जी ले आए। यही घुमाएंगे पार्क, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर चलना तो चला, आज ऊपर चले। आज चाबी दे दे पापा को, इसको चाबी तो ले जाओ घर की। चलो आ जाओ, फोन चला लो। तो ये देखो ये सारे आराध्य के फ्रेंड्स हैं, ते बड़े बड़े हैं सारे आराध्य, सबको दीदी बोलती है और खेलती भी इनके साथ ही है। और ये लोग ना अपनी पार्टी कर रहे हैं, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, पैसे जोड़ जोड़ के चीजें लेके आते थे फिर एक जगह इकट्ठी करके खाते थे, वही सेम ये कर रहे हैं। सबने पैसे जोड़े हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया, कितने कितने डाले थे? 20, 10। अच्छा आप सारे एक ही स्कूल में हो ना, अलग अलग? हाँ अर्श ऑलियंस में है, स्कूल में ये और वो सेम स्कूल में, ये अलग स्कूल में। अच्छा राधा तू क्यों खेली आगी, तू क्यों नहीं खेल रही उनके साथ आज? फिर उनका भी बुला दे मेरे पास। अच्छा उनको आपके पास बुलाऊं? अच्छा ये क्या, ये क्या लेके आई तू? ये पापा ने आज मेरे को डायनासोर वाली इरेजर दिलाई, आज मैं को मार्केट वाली लेनी थी फिर पापा, लेकिन मम्मी ने बोला आ जा देते हैं, कह दिया तुम्हारी। आराध्या देखो कैसे बीच में जाके बैठ गई ना, इन्होंने पता क्या किया खाने से पहले, 1 2 3 भी किया हमारी तरह कि कोई ज्यादा ना खा ले कोई कम ना खा ले, एक दूसरे को देख भी रहे हैं खाने से पहले कि कौन ज्यादा उठा रहा कौन कम उठा रहा, काउंट करके तो नहीं उठा रहे सारे? नहीं हमारे वाले। अच्छा आपकी लड़ाई नहीं होती कि कौन ज्यादा खा लेगा कौन कम खा लेगा? नहीं होती, अपनी मर्जी है। पापा का फोन तो हम लोग आराध्या को वहीं पे छोड़ के आ गए सब्जी लेने, यहाँ आज मार्केट नहीं गए बस इधर ही सोसाइटी में ही आया था सब्जी वाला, उससे लेंगे। तो ये यहाँ ले रही है सब्जी। क्या हुआ पता नहीं यार, प्यार मारा ऊपर से किसी ने, कुछ गिरा खाके, हाँ ऊपर से मारे किसी ने, पर ऊपर तो कोई सामने है ही नहीं, फ्लैट में से ऊपर सीधा हमला करते हैं तुम लोग। लोग यार समझते ही नहीं है इस चीज को, अगर कुछ हो कोई किसी को लग जाए चोट या कुछ हो जाए। तो गाइस आज ना बाहर मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, देखो हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है आज तो, बाहर खड़े होने में बड़ा मजा आ रहा है, बारिश आ जाए तेज। और ये हमारी बेटी है, आज बीमार है, उसको फीवर आया हुआ है, इसके पापा इसके पास हमने बिठाए हुए हैं, ये सोई हुई है, कल की छुट्टी है ना इसलिए मेरा बच्चा रेस्ट कर रहा है। राधे आओ जाओ बेटे, अभी नहीं उठना, अभी ये कुछ नहीं बोलेगी, इसके पापा बस फोन चला रहे हैं। क्या कर रहे हो आप, ये मेरे को चुप्पी कराते रहते हैं हर वक्त, कभी तो बोला करो ना कि तू बोल, मेरी मधुर आवाज सुन लिया करो कभी कभी। मेरी मधुर आवाज नहीं सुन रहे यार, कहते चुप कर। बाकी सब बातें तेरी ठीक थी, मधुर बोल दिया ना उस पे मेरा ध्यान एकदम से उधर, मधुर आवाज इतना मत बोल यार लोगों को। और मैं हर ब्लॉग में इनको कुछ ना कुछ खिलाती रहती सबको, अभी फिर आगे लेके ये पीनट बटर, एक ब्रेड बचा वो ब्रेड खत्म हो गया, तो एक ही ब्रेड है तो उसी खा लूंगा, उसी कितने जाइए आधा आधा कर लेते, मेरे को भी हाथ से खिलाओ, इतना भी नहीं बचा मेरे पास। क्या बोल रही है, ऐसे ही आ जा मैं खा दूंगी अभी जब खाने तो जब मैं झगड़ा कर देती है जब अभी आपके साथ ये झगड़ा कर रही थी, आपने इसको क्या बोला था हुक मार के? तो और क्या यार, ये मेरे से पंगे ले रही थी, मैंने बोला फूक मारा ना वो हो जाएगी पीछे किचन के बाहर, दिखाई नहीं किचन के बाहर नहीं, इसको कहते हैं फूक मारो सिंक में, गए उसमें बैठेगी जाके स्टैंड पे, मेरे को बड़ी हंसी आई, खड़ी भी यहीं पे थी, यहाँ से फूक मारती सीधी वहां बैठती पटोपी के पास। मेरी इतनी मधुर आवाज थी, कब से तू इनको उठा रही है उठ नहीं रहे थे, मेरी मधुर आवाज ऐसी आई कि उठ के बैठ गए। आराध्या पे तो फिर भी तेरा कोई असर नहीं हुआ तेरी मधुर, उसकी आवाज भी मेरी तरह मधुर है।
हमारे घर पे दो बंदों की आवाज, मतलब रूप की तो फिर भी बड़ी अच्छी है। मैं कहती हूँ ज्यादा पकड़ ले जाना, देख ले जब ना आते। हमारे घर में सबसे खूबसूरत फूल हमारी बेटी। नहीं खूबसूरत फूल तो बेटी है, हम आवाज की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे के घर सब कुछ खूबसूरत है, उसकी आवाज, उसकी बातें, उसका पे चेहरा। हमारे मम्मी पापा के लिए भी हम बच्चे बड़े खूबसूरत थे। वो सच, वो हमारे घर में लकी भी है हमारे लिए। आज भी बोलता हूँ मैं, वो उसकी किस्मत का हम खा रहे हैं कुछ। ये बात तो सच्ची इनकी मानने वाली है कि जब से रहते हुए तब से हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हमारे पास है, हमें जब भी कोई चीज मांगती है ना, हमें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे पीछे हमारा इतना पूरा टाइम चल रहा था ना कि हम लोग पूरा पूरा दिन, मतलब रोज हमने फूल बोला था कि सब्जी क्या खाए, हम आलू काटते थे, आलू बना के खा लेते थे। तो सिर्फ आलू खाते रहे भाई, सच बात है ना, ये सच्ची ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। हम 6 महीने में आलू छट गठे भी खाया तड़क तड़क। 6 महीने में 3-4 बार सब्जी खाई होगी, नहीं तो सिर्फ आलू सस्ते चल रहे थे, वो पूरा कट्टा ले लिया था, वही रोज खा रहे थे सुबह। मतलब भूल गया था मैं, याद दिलाया। उस टाइम पता क्या हुआ था, एकदम से सर्दी आ गई, रात की एक यूनिफॉर्म थी लेकिन हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी। तब एक दिन रूप ने धो दी उसकी यूनिफॉर्म, नेक्स्ट डे उसने स्कूल जाना था। पूरी रात हम लोग कभी पंखा चला के इधर सुखाए, कभी उधर सुखाए। अगले दिन ना मतलब सुबह होगी, उसके बाद इसके पापा ने इसको शाम के टाइम पे जाना था इसको स्कूल लेने, और हम इनको बोल रहे थे कि ड्रेस दिलवा दो। हमें तो पता नहीं था कि इनके पास पैसे ड्रेस दिलवाने के लिए भी नहीं है, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से प्रमोशन आ गई एक, और उसके बाद पैसे आ गए और इसकी 2 यूनिफॉर्म्स भी आ गई। मतलब टच वुड, अभी 1 साल में ही हमने वॉशिंग मशीन ले लिया। अब मैंने कपड़े धो धो के ना सर्दियों में डेली सुखाने। तो हमने बहुत कुछ ले लिया वॉशिंग मशीन तो अभी इसलिए पहले भी ले सकते थे। हम जाते थे सैटरडे को अपने घर वालों ने बायकॉट कर दिया, तो वॉशिंग मशीन एसी से लेकर जो भी इन्वर्टर वगैरह हमने कुछ नहीं लिया, सब कुछ। अभी गीजर चाहिए, ये भी था कि एडवांस में गीजर चाहिए अभी थोड़े दिनों तक। पहले हमें ये था कि हमने यहाँ से चेंज कर लेना था, जल्दी कर लेना था, लेकिन अब हम थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि अब हमने थोड़े प्लान और आगे बढ़ा लिए हैं। पहले हमारा 2 BHK था, अब थोड़ा बढ़ा ले लेंगे और थोड़ा रुक के लेंगे। तो अब सामान यहीं पे ले रहे हैं कि आगे चल के वो हमारी यूज ही आएगा। अब हमारा ध्यान काम पे है यार, आगे देखा जाए जो होगा किस्मत पे है। आपको अच्छा चल रहा है? हां, अज तो ब्रेड खा, कल वो ब्रेड ना लो और चीज खाओगे। मजे मजे में सारा ब्रेड खा के होना भी है मंगल लेना। कैमरा नहीं बंद होने दिया तब तक जब तक ब्रेड नहीं खत्म। हां कदी लाला काट रही हूं मैं दूध के साथ, दूध में मिठाई डाल, दूध के साथ ब्रेड और पीनट बटर ये खाता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ बस। देख लो ये ना हमारे सामने खा जाते हैं। हम लोग अभी मैं और रूप मार्केट गए थे, हमारा जूस पीने का इतना मन किया था पर हम दोनों ने नहीं पिया। हमने कहा हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, उनको लेके आएंगे जूस पीने और खुद अकेले अकेले सब कुछ खड़क जाते। ये तो मेरी डाइट है रोज की। तो हमारी डाइट कहाँ है? खा लो, ले आओ जाकर। अब मैं नौकर हूँ, मार्केट क्या करने गए थे, ले आते खुद के लिए, मुझे भी एक ब्रेड दिया। ये तो अपना रो रहे हैं, हमारा तो छोड़ भूखड़ है ये। ये राध्या कितनी सारी मेडिसिन आ गई और इस बार इसको डॉक्टर ने टैबलेट्स भी दी है। आप पता नहीं ये टैबलेट कैसे खाएगी इसको, ना वो करूंगी ना दवाई के अंदर ही उसको मिक्स कर दूंगी ताकि एक बार मेरी 2 दवाई चली जाएगी उसके अंदर। नहीं खाई राध्या, क्या ले क्या ये इधर दिखाई, ये क्या ले आए बता के फिर बाद में अगर मैं नंगे पैर घूमती मेरे तो आदत है वैसे नंगे पैर घूमने के। साथ में फर्श काला काला हो रहा नीचे से। देखना मैं पोछा नहीं लगाऊंगी कल, मैं बता रही हूँ मैंने बड़ी मुश्किल से बड़ा साफ किया पोछा लगा लगा के। मैं बोल रही थी ना इसको फीवर मत पड़ाओ, तू पढ़ी ले इससे अच्छा। आ जाए बोल रही थी मत पड़ाओ मैंने अभी उठा ले ली। बच्चे को आप ऐसी चीजें ले आके दे रहे हो, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? मैं पोछा लाई फिर आप पे बस कर, लोगों के घर वाले भी लंबे नीचे ले जा इसको नीचे जाके क्यों ले जा। ये देखो मुझे डरा रही है, कहती मारू ना 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 मम्मा को चोट लग जाए। देख कितनी पतक से लगा। गाइस ये इसकी पहली बार है टैबलेट खाई पीगी। मीठी है राध्या कैसी है? ले जा अंदर, चिबा दी उसने, चिबा दी। बड़ों वाली मेडिसिन मिली थी आज तुझे पता है, जैसी मम्मा नहीं खाती वैसी। इधर आ ये वाली भी पी जल्दी जल्दी फटाफट से, खुलेगी तो ना ये मीठी थी। कैसा था इसका टेस्ट?
अभी इसका बताना मुझे एक और है। अभी एक और आ रही है देख, वो एक अंदर पड़ी है, वो मैं थोड़ी लेट पे लाती हूँ, ये वाली पीले पहले। 1/1/4 है, डेढ़ चम्मच है। यम्मी है ये। इसका टेस्ट कौन सा था? स्ट्रॉबेरी का था इसका। चलो फिर तो तू सारी दवाई पी लेगी, है ना? ये वाली, ये तो टेस्टी है। ये तो सारी दवाई अच्छी आ गई फिर, है ना? दो दवाई अच्छी है। इसकी देखता है इसका कैसे। ये तो पी ली है, अब कितनी बार पीनी है? ये भी पी ली, ये भी पी ली। एक अंदर पड़ी है जिसमें मम्मा पानी डाल के उसको बना के आएगी ना, अभी वो पाउडर मिला है, फिर मैं उसको बना दूंगी ना, फिर वो वाली पी के बताना मुझे कैसी है। तो गाइस आप लोगों के ना कुछ कमेंट आ रखे थे जिनके हमने जवाब देना जरूरी समझा। तो एक कमेंट था कि मैं आप लोग को एक चैलेंज दूंगी जो आपने करके दिखाना है, हमारे लिए था। तो हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज हमें ना कमेंट कर दो, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप जो भी हमें चैलेंज दोगे हम उसको पूरा करें। एक हमें कमेंट आया था कि आप लोग रोज व्लॉग नहीं डाल रहे हो, तो गाइस अब हमने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे डेली व्लॉग्स आया करेंगे और वो आएंगे सनी राजपूत चैनल पे। तो आप उस चैनल को देखो और वहाँ पे हमारे पूरे व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। मतलब यही जिस चैनल पे अब हमने ये व्लॉग डाला हुआ है उसी चैनल पे हमारे डेली व्लॉग्स आया करेंगे। हाँ, जिस चैनल पे अभी ये डाला हुआ है। और आपने बोला था कि गेम्स के रिलेटेड कि हम आपको गेम्स बताएंगे, तो जरूर आप ना हमें गेम्स भेजा करो। हमने अभी भी जो आपका पिछला व्लॉग हमारा गया है तो उसमें भी हमने एक गेम खेली थी जिसमें हमने मूवी को सजेस्ट किया था। तो आप ना वो वाला व्लॉग भी जिसने नहीं देखा वो व्लॉग जाके देखो और हमें कमेंट करो कि आप कौन सी गेम, कोई ना कोई हमें गेम बताओ, अच्छे अच्छे गेम्स बताना, हम वो वाली गेम पक्का खेलेंगे। ते गाइस एक्चुअली ना साडे ना डेली डेली व्लॉग नहीं आ रहे सीगे, उदे रिलेटेड ना सी कुछ कित्ता अपने मतलब अपने आप च चेंज कर रहे हैं कि असि ना 30 दिनों का चैलेंज लोंगे कि असि 30 दिन डेली टू डेली व्लॉग पाने हैं। तो तुसी डेली टू डेली देखने भी हैगे आ, पर सानू ना कमेंट करके दस्सियो कि असि ये वाला चैलेंज लईए या ना लईए। ते जरूर तुसी सानू कमेंट करके दसना, ते इहदे नाल ना सानू मोटिवेशन मिलूगी कि हां असि ये चीज करिए, कि तुसी सानू पसंद कर रहे हैं देखना तो असि ये चीज करिए। इहदे नाल साडे डेली डेली व्लॉग आया करूंगे, कुछ ना कुछ नया थानू दिखाऊंगे। और तुसी साडे व्लॉग नू सच्ची प्यार दे रहे हैं तो उहदे लई थोड़ा धन्नवाद। ते हुण असि इस व्लॉग नू कर रहे हैं इत्थे ही एंड, ते मेरे वल्लों बाय बाय।